हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त होंगे और जम के तैयारी चल रही होगी सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा खास है, बहुत ही जबरदस्त है। राइट, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा है आज हम क्या शानदार चीज पढ़ने वाले हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। पूरा का पूरा टॉपिक आपको मैं बिना बुक खोले याद करा दूंगा। इतनी जबरदस्त एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूं और साथ में लेके आया हूं एक्चुअल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूरी हिस्ट्री इस मेमोरेंडम में लिखी है। राइट, चिंता मत कीजिए, मैं आपको सेपरेटली ये ग्रुप पर भेज दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मेमोरेंडम 230 पेजेस का है, तो वो तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। हमारा मुद्दा है मेमोरेंडम क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गवाए कि मेमोरेंडम क्या होता है। राइट, सबसे पहली बात, क्या आपने कभी रामायण देखी है? रामायण, उम्मीद है रामायण तो देखी होगी। सर देखी है, उसमें एक बहुत ही खतरनाक सीन आता है, रावण को मारने वाला, नहीं पता कौन सा, जो पूरी दुनिया में कहावत से फेमस हो चुका है, लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी। ठीक है, याद आ रहा होगा। तो उस सीन में यही होता है कि भाई कुटिया होती है ना, और कुटिया के बाहर एक बाउंड्री होती है। राइट, और फिर यहां पे खतरनाक सा रावण आता है और यहां सीता मैया होती हैं। ठीक है, रावण के आने से पहले लक्ष्मण जी सीता मैया से कहते हैं, माता जी कुछ भी हो जाए, जान चली जाए चाहे, लेकिन लक्ष्मण रेखा पार मत कर देना। लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी, आपके कहने पे मैं भगवान राम को, भाई राम को ढूंढने तो जा रहा हूं, लेकिन आप लक्ष्मण रेखा पार मत कर देना। तो ये उन्होंने क्या खींची थी? लक्ष्मण रेखा खींची थी, याद आ रहा होगा, है कि नहीं बात? तो लक्ष्मण रेखा पार करी नहीं करी, लक्ष्मण रेखा पार करी सीता मैया ने, तो उनको है ना इसका हर्जाना भी भुगतना पड़ा और रावण किडनैप करके ले गया। कहा तो ये जाता है कि भाई प्लेन, हेलीकॉप्टर ये अब बने हैं, लेकिन शायद लोगों को पता ही नहीं है कि ये तो बहुत साल पहले बन चुके थे। रावण के पास हवा से है ना उड़ने वाला एक प्लेन था, पुष्पक विमान, है कि नहीं बात? खैर, रामायण काल की कहानी है, वहां टेक्नोलॉजी है ना बहुत ही ज्यादा एडवांस रही होगी। फिलहाल हमारा क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य सर लक्ष्मण रेखा का हमारे कॉन्सेप्ट से क्या लेना देना है? पूरा लेना देना है। यही लक्ष्मण रेखा क्या होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होती है। बोलना जरा फिर से, क्या होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होती है लक्ष्मण रेखा। यानी कि अगर कंपनी की कोई लक्ष्मण रेखा है, तो वो सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी कुछ भी काम करेगी, जैसा भी काम करेगी, कभी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करेगी। यानी लॉ में ही ये खतरनाक बात लिखी है। सर क्या लिखा है लॉ में? कितना ही जरूरी क्यों ना हो, है ना, कितनी ही अर्जेंसी क्यों ना हो, और कितनी ही बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही जरूरी, कितनी ही अर्जेंसी, कितनी इंपॉर्टेंट बात हो जाए, राइट, कंपनी को मेमोरेंडम से आगे यानी कि मेमोरेंडम से आगे निकलकर, मेमोरेंडम को क्रॉस कर काम नहीं करना। राइट, काम नहीं करना, यानी कि वो मेमोरेंडम क्या है? वही मेमोरेंडम जिसके आगे कंपनी नहीं कूद सकती, इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? लक्ष्मण रेखा। यानी कि कंपनी ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं कर सकती, यानी उसने जो भी मेमोरेंडम में लिख दिया, जो भी हमने मेमोरेंडम में लिख दिया कंपनी के, उस मेमोरेंडम से आगे कोई काम हम नहीं कर सकते। अगर कंपनी के मेमोरेंडम में हमने लिखा है कि हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम एजुकेशन के अलावा कोई और काम नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी कंपनी के मेमोरेंडम में एजुकेशन इज द मेन एंड द सोल बिजनेस। तो आप लक्ष्मण रेखा मेमोरेंडम को पार नहीं कर सकते। तो क्या लिखा है लॉ में? लॉ में लिखा है चाहे कितना ही जरूरी हो, कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ, है कि नहीं बात? कबीर सिंह ही क्यों ना आ जाए,
ठीक है, कितनी अर्जेंसी क्यों ना हो जाए, कितनी ही इंपॉर्टेंट बात क्यों ना हो जाए, और कितनी ही बड़ी नेसेसिटी है ना, कितनी ही बड़ी नेसेसिटी क्यों ना आ जाए आपकी जिंदगी में, आप मेमोरेंडम को क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ, ज्ञान की बात, अगर आप मेमोरेंडम को क्रॉस करना चाहते हैं, यानी कि जो आपने मेमोरेंडम में लिख दिया उसके पार जाकर कुछ काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रिटन प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ फॉलो करने पड़ेंगे, कि आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे, राइट। वरना आपने जो भी मेमोरेंडम में लिखा है वो लक्ष्मण रेखा है, उसके पार आप किसी भी हाल में नहीं जा सकते। उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि मेमोरेंडम ही हमारा क्या है, लक्ष्मण रेखा है। तो एक बार देख लेते हैं रिलायंस ने क्या किया, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी है कि नहीं बात। तो देखो, अगर हम मेमोरेंडम की बात करें तो आपके सामने है, पहले इन्होंने पूरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के इस डॉक्यूमेंट में सर्टिफिकेट दे रखे हैं, वो आपको दिखाऊंगा, चिंता मत करो, है ना। ये है मुद्दे की बात जो मेमोरेंडम के बारे में बताती है कि सर दिस इज द मेन क्लॉजेज या दिस इज द मेन इवेंट ऑफ मेमोरेंडम, कि मेमोरेंडम में आप क्या क्या काम करेंगे। मेमोरेंडम में नाम लिखा होना चाहिए, है कि नहीं बात, क्या लिखा होना चाहिए, नाम लिखा होना चाहिए, राइट। थोड़ा सा इसको जूम करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे, और क्या लिखा होना चाहिए नाम के साथ साथ, सर नाम के साथ साथ मेमोरेंडम में ऑफिस लिखा होना चाहिए कि कंपनी का ऑफिस कहां पे है, ठीक है ना। इसके अलावा नेम है ना, ऑफिस, क्या काम कर रहे हैं वो लिखा होना चाहिए, लायबिलिटी कैसी है, शेयर कैपिटल के बारे में लिखा होना चाहिए, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, और कौन कौन मेंबर्स ने सब्सक्राइब किया है, ये सारी बातें लिखी होनी चाहिए। यानी शॉर्ट में आपको बताऊं तो कंपनी क्या खेलती है, कंपनी खेलती है सर नेम प्लेस एनिमल थिंग, नाम क्या है कंपनी का, बचपन में खेला था ना नेम प्लेस एनिमल थिंग, बस कंपनी वही खेल रही, हर कोई वही खेल रहा है नेम प्लेस एनिमल थिंग, है कि नहीं बात। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, यानी कि प्लेस कहाँ है, ठीक है ना। कंपनी के सब्सक्राइबर एनिमल कौन हो गए, एनिमल हो गए जो सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम पे साइन करते हैं वो कौन है, और थिंग कंपनी किस चीज का बिजनेस करती है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी की लायबिलिटी भी क्या है, ठीक है ना। तो क्या याद रखेंगे, नेम प्लेस एनिमल थिंग और साथ में लायबिलिटी, राइट। तो उम्मीद है आपको ब्रीफ में समझ में आया होगा कि मेमोरेंडम के अंदर एक्चुअली में होता क्या है, जो रिलायंस के एक्चुअल मेमोरेंडम के अंदर है वही हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहले देखिए आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना, क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर मेमोरेंडम के बारे में, ये बात आपको बहुत अच्छे से नोट करनी है। सबसे पहली और शानदार बात, मेमोरेंडम में कंपनी के पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कंपनी की पावर्स और ऑब्जेक्टिव होती है, कंपनी किस हद तक है ना जा सकती है अपने काम करने के लिए, राइट। लेकिन लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी, वरना रावण किडनैप करके ले जाएगा, है कि नहीं बात। तो आपको पता होना चाहिए किस हद तक मैं जा सकता हूं, वो पावर मेमोरेंडम में लिखी है। कंपनी के काम, मेन चीज क्या, हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, तो मेन काम तो लिखा ही होना चाहिए। यानी कि जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेमोरेंडम आपने देखा तो उसमें आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहला काम टेक्सटाइल का था, यानी कपड़ों का काम करते थे धीरू भाई अंबानी, राइट। उसके बाद मेमोरेंडम में क्या लिखा होगा, मेमोरेंडम में यह लिखा होगा और यह बताया जाएगा कि रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर, है ना, रिलेशन, रिलेशन मतलब रिश्ता, ठीक है ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता जायज कहलाता है, ना जायज भाई मतलब चलाना, जायज रिश्ता क्या है, कंपनी और आउटसाइडर के बीच में, यानी कि जायज मतलब कोई लड़ाई झगड़े का नहीं, बहुत ही सिंपल कॉन्ट्रेक्चुअल रिश्ता जिसमें कंपनी और आउटसाइडर दोनों एक दूसरे को बाउंड करते हैं और ईमानदारी से काम करने की कोशिश करते हैं। मेमोरेंडम की सबसे सबसे ज्यादा खतरनाक बात जिसे आपको GKPL कर लेना है, सर GKPL क्या होता है, घोट के पी लेना, हाँ जी घोट के पी लेना ये बात। सेक्शन 399 क्या बोलता है सर, सेक्शन 399 बोलता है जो भी पर्सन, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, जो भी पर्सन कंपनी से डील करेगा, जो भी पर्सन कंपनी से डील करेगा, ये माना जाएगा कि उसे मेमोरेंडम की
और साथ साथ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की पूरी नॉलेज है। यानी कि क्या लिखोगे? बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में लिखेंगे, लिखो साथ साथ। जो भी पर्सन कंपनी से डील करेगा माना जाएगा उसे मेमोरेंडम और आर्टिकल की नॉलेज है, यानी उसने मेमोरेंडम और आर्टिकल पूरा पढ़ रखा है, पूरा पढ़ रखा है। और यहां यहां जब हम बात करते हैं पढ़ रखा है, तो पढ़ रखा है को इंटरप्रिटेट किया जाता है रीड करने के साथ साथ उसको इस बात की पूरी पूरी नॉलेज भी है। राइट, तो क्या बात याद रखेंगे? राइट, रीड करने के साथ साथ, रीड तो कहीं रखा है, रीड करने के साथ साथ उसे मेमोरेंडम की पूरी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी है। नॉलेज के साथ साथ क्या लिख दो? राइट, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसने वो पढ़ भी रखा है और उसने उस मेमोरेंडम की पूरी नॉलेज गेन कर रखी है, यानी कि मेमोरेंडम को सही तरीके से समझ रखा है, अंडरस्टैंड कर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ, आउटसाइडर को कंपनी की पावर और कंपनी के काम के बारे में पता है। ठीक है ना, सुनो फिर से क्या बोल रहा हूं मैं। इसका मतलब यह हुआ कि आउटसाइडर को कंपनी के काम के बारे में और कंपनी की पावर्स के बारे में सब कुछ पता है। यानी आपने मेमोरेंडम पढ़ा हो ना पढ़ाओ, सुनना बहुत ही खतरनाक बात है, आपने मेमोरेंडम पढ़ा हो या ना पढ़ाओ, जब भी आप किसी कंपनी से डील करने जाएंगे ना, तो माना जाएगा आपने मेमोरेंडम भी पढ़ रखा है, आर्टिकल भी पढ़ रखा है, उसकी नॉलेज भी है और उसको अंडरस्टैंड भी कर रखा है। यानी अगर आपने रिलायंस जियो का सिम लिया है, रिलायंस जियो सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, रिलायंस जियो क्या है? सब्सिडरी कंपनी है किसकी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अप्रोक्सीमेट 67% के आसपास शेयर हैं रिलायंस जियो के। राइट, तो इसका मतलब जब आपने रिलायंस जियो के सिम को खरीदा, तो यह माना जाएगा कि आपने रिलायंस जियो कंपनी के मेमोरेंडम को और रिलायंस जियो कंपनी के आर्टिकल को पूरी तरीके से पढ़ रखा है और समझ रखा है। ये बहुत ही खतरनाक बात है, इसके बेस पर आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे सेक्शन 399 के ऊपर। यानी फाइनली एक बार फिर बोल रहा हूं, फाइनली जो भी पर्सन कंपनी से डील कर रहा है, आप ही क्यों ना हो मैं भी क्यों ना हो, माना जाएगा उसने मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ रखा है। यानी आपको और मुझे दोनों को ही पता है कि कंपनी की पावर, कंपनी के काम क्या है। इसलिए अगर आपने रिलायंस जियो का सिम खरीदा तो ये मान लिया जाएगा, मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा कि आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ रखा है, समझ भी रखा है। तो चलिए दिखाता हूं आपको कुछ बढ़िया बढ़िया बातें। ठीक है ना, ये तो पढ़ लिया हमने मेमोरेंडम। अब देखो मेमोरेंडम में इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है ना, यानी कि ये सब जो मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूं, एनेक्सर वगैरह, ठीक है ना, अमल कमीशन की स्कीम, रिलायंस पेट्रो केमिकल किसमें मर्ज हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज में मर्ज हो गया, रिलायंस ये सब चीजें किसमें मर्ज हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज में मर्ज हो गई, अमल कमीशन ऑफ रिलायंस जामनगर स्ट्रक्चर रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें, मतलब अगर इसमें 230 पेज हैं, तो ये माना जाएगा कि 200 के 230 पेज आपने क्या कर रखे हैं, पढ़ रखे हैं। चाहे पढ़ के जाओ मत जाओ, कानून ये मान के बैठेगा कि आपको ये सारे के सारे पेजों की नॉलेज है। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आती है बात सर मेमोरेंडम में, है ना, क्या लिखा होता है जो इतनी खतरनाक बात कही जाती है। एक्चुअली में मेमोरेंडम में होती हैं ये चीजें, मेमोरेंडम में होती है ये चीजें जिसे हम बोलते हैं क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम। क्या बोलते हैं? क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम। यानी सिर्फ यही पढ़ना है, मेमोरेंडम का चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, क्लॉजेस, ठीक है ना। राइट, अगर मैं बोलूं सर मेमोरेंडम क्लॉजेस है, इसका मतलब मेमोरेंडम को क्या माना जाता है? मेमोरेंडम को एक तरीके से कंपनी का चार्टर माना जाता है। चार्टर समझ रहे हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन, मेन एक मुद्दा ऐसा जिसके ऊपर पूरी कंपनी टिकी होती है। यानी कि अगर मैं बोलूं तो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी कोई बात ही नहीं है, संविधान माना जाता है मेमोरेंडम को। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, है कि नहीं बात, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, आपने सुना भी होगा आर्टिकल 370 है ना, कश्मीर से हटा दी गई, ऐसे ही मेमोरेंडम भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है एक कंपनी का, जिसके अंदर क्लॉजेज होते हैं, आर्टिकल्स नहीं होते, क्या होते हैं, क्लॉजेज होते हैं। और 6 क्लॉजेस बनाए गए हैं मेमोरेंडम को डिजाइन करते वक्त, और ये लिख दिया गया कि भाई ये क्लॉज हर कंपनी के लिए कंपलसरी है, उन्हें ये इंफॉर्मेशन क्या देनी पड़ेगी, आरओसी को देनी पड़ेगी।
और ये आप बात जानते हैं, जब भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, जब भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आरओसी में सबमिट होते हैं वो होते हैं एमओए और एओए, मोआ ओआ, मेमोरेंडम और आर्टिकल। तो चलिए दोस्तों एक एक करके बढ़ाते हैं कदम क्लॉजेस के ऊपर और समझते हैं क्लॉजेस का चक्कर क्या है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नेम क्लॉज। कौन सा क्लॉज? नेम। भैया बच्चे का जन्म होने वाला है ना, बच्चा दुनिया में आने वाला है, ठीक है, तो हम पहले से ही क्या करते हैं, हम पहले से बच्चे का नाम सोच लेते हैं। भाई लड़की हुई तो ये नाम रखेंगे, लड़का हुआ तो ये नाम रखेंगे। ऐसे ही कंपनी का जन्म होने वाला है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने वाली है कि नहीं बात, आप गोदी में झुलाएंगे लल्ला लल्ला लोरी, है कि नहीं बात, दूध की कटोरी। उस कंपनी को जो तुम गोद में झुला रहे हो भैया, उस कंपनी का नाम तो सोच लो, है कि नहीं बात। उस प्यारी सी बच्ची को कुछ बोलोगे तो, या बोलते रहोगे बच्ची, ओ कंपनी, ओ बच्ची, है कि नहीं बात। अरे यार नाम रखो कम से कम, कुछ तो इज्जत करो। तो मेमोरेंडम ये बोलता भैया, है कि नहीं बात, बच्चे को रख देते हैं, लो कंपनी बच्चे तुम, है ना, यहाँ पे लेटो, नाम नाम सोच लो पहले। यानी कि आपके सामने लिखा है बच्चे का नाम, बच्ची का नाम सोच लो। जब नाम सोचेंगे तो आपको पता होगा, जब हम किसी बच्चे का भी नाम सोचते हैं बहुत सारे क्राइटेरिया हमारे दिमाग में घूमते हैं। ट्रेडिशनल नेम रख दूं लक्ष्मी, है कि नहीं बात, घर वाले कहेंगे यार पुराने जमाने का नाम क्यों रख रहा है कि नहीं बात। कोई अंग्रेजों वाला नाम रख दूं जोया जोरा, तो घर वाले कहेंगे भैया इंडियन रख लो। तो बहुत सारी चीजों पे लड़ाई झगड़ा होता है यार, कैसे नाम रखें। तो कंपनी के नाम के लिए पहले ही नेम क्लॉज ने बता दिया, भैया हम आपका झगड़ा नहीं होने देंगे, पहली बात सुन लो हमारी। एक तो कोई सिमिलर नेम नहीं होगा दूसरों के साथ, यानी कि अगर मैं अपनी कंपनी खोलता हूं तो मैं ये नहीं कर सकता अंकुर एजुकेशन रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड या अंकुर एजुकेशन रिलायंस लिमिटेड, मैं रिलायंस का सिंबल या रिलायंस का नाम यूज नहीं कर सकता। सिमिलर नेम नहीं होना चाहिए, चाहे मैं अपने नाम के पीछे लगा दूं चाहे नाम के आगे लगा दूं, रिलायंस अंकुर एजुकेशन लिमिटेड रिलायंस नाम यूज नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं ये दिखाता है, दर्शाता है कि आप रिलायंस की गुडविल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये अलाउड नहीं है। जब आप आजकल के जमाने में नाम भेजेंगे, है ना, आरओसी को सॉफ्टवेयर के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू, वहीं से रिजेक्ट होके आ जाता है। फिलहाल यहां पे लिखा है ऐसे नाम आप पहले ही ना सोचें, राइट। दूसरा, मिलते जुलते नामों से सावधान। लिखा होता है ना कई बार, भैया हम मोदी नगर की साइड जाते हैं, वहां जैन शिकंजी वाला है, जैन शिकंजी वाला लिख रखा है, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, मिलते जुलते नामों से सावधान, ठीक है। फिर जूते आते हैं एडिडास के, तो पता लगता है वहां एडिडास ने लिखा, एडिबास लिखा, एडिबास। तो इस तरह के नाम आप यूज नहीं कर सकते कंपनी बनाते टाइम पर, ठीक है, राइट। नो मिसलीडिंग नेम, यानी कि कोई मिसलीडिंग नाम नहीं होना चाहिए जो लोगों को गुमराह करे। जैसे कि एक एग्जांपल ये होता है, गवर्नमेंट इसे सपोर्ट करती है ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। यानी मैं कोई ऐसा नाम रख रहा हूं जिससे ये लगे कि भाई गवर्नमेंट इसे सपोर्ट करती होगी। जैसे मैंने अपने नाम क्या लगा दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, है ना, एजुकेशन लिमिटेड, यानी पीएमओ। तो ऐसा लगता है भाई कहीं ये पीएमओ की कोई ब्रांच तो नहीं है, पीएमओ से इसको कोई स्पेशल पावर तो नहीं दी गई, है कि नहीं बात। तो भैया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, राइट। इस तरीके से आपको ऐसा नाम नहीं रखना जिससे ये दर्शाया जा सके कि आपको गवर्नमेंट कोई स्पेशल सहायता देती है। या और कोई मिसलीडिंग नेम, किसी सेलिब्रिटी का नाम नहीं रखना, है कि नहीं बात, राइट। अगर मैं रख दूं कोहली लिमिटेड, कोहली अंकुर कोहली प्राइवेट लिमिटेड, समझ में ना बात। तो अगर वाकई में मेरा नाम अंकुर कोहली है तो चलेगा, लेकिन अगर मेरा नाम अंकुर अग्रवाल है तो मैं किसी और वर्ड को लगा रहा हूं तो यह माना जाएगा कि भाई आपने वो वर्ड लगाया है उस सामने वाले पर्सन या सेलिब्रिटी की गुडविल को खींचने के लिए। तो ये नाम मिसलीडिंग, है ना, कहलाया जाएगा। तीसरा, अगली बात, कोई ऐसा नाम नहीं रखना जो क्या हो, ऑफेंसिव हो और अनडिजायरेबल हो नेम्स एक्ट के हिसाब से। सर नेम्स एक्ट भी है? हाँ नलायको, हाँ, एक नेम्स एक्ट है, उसमें बता रखा है कुछ नाम आप बिल्कुल भी नहीं रख सकते क्योंकि वो ऑफेंसिव या अनडिजायरेबल कहे जाते हैं। जैसे अब मुझे लग रहा है अपनी कंपनी का नाम रखूंगा सुपारी लिमिटेड, है कि नहीं बात, गांजा लिमिटेड, ड्रग्स लिमिटेड और फिर बंदूक लिमिटेड। तो भैया बंदूक लिमिटेड, सुपारी लिमिटेड, डॉल लिमिटेड, इस तरह के नाम आप नहीं रख सकते क्योंकि इस तरह के नाम को ऑफेंसिव, है ना, खोका पेटी, धन्यवाद, राइट भाई टाइप, इस तरह के नाम आप नहीं रख सकते, ये ऑफेंसिव और अनडिजायरेबल है। भाई ऐसा डिजायर नाम रखना गलत बात है। तो नेम्स एक्ट में अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह के नाम आप नहीं रख सकते। सेम बात नेम क्लॉज में भी लिखी है, राइट। अब एक ज्ञान की बात, क्या मैं अपने नाम को चेंज कर सकता हूं,
है ना, क्या मैं अपने नाम को चेंज कर सकता हूँ? तो देखिए, जी हाँ भाई और बहनों, जी हाँ आप अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। छोटा सा नमूना दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, बहुत ध्यान समझना। पहले जब रिलायंस बनी, ठीक है ना, देखना क्या लिखा है, 1956, समझ रहे हो बात को, 1956 को जब रिलायंस बनी तो उसका नाम क्या था, रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है ना। फिर इसका नाम बदलकर, है ना, धीरू भाई अंबानी साहब ने इसका नाम बदलकर कर दिया माइलियन लिमिटेड, है ना, राइट, और पास भी कर दिया गया 1973 में। फिर उनको लगा होगा भाई ये तो गलत बात है, गंदी बात, गंदी 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 बात, फिर उन्होंने दोबारा नाम वापस किस पे लेके आए, 1985 में, यानी 1985 में फिर से उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर किस में कन्वर्ट कर दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी कि 1956 में क्या हुआ, 1973 में क्या हुआ, और फिर 1985 में क्या हुआ, राइट। तो इसका मतलब क्या, अगर आप नेम क्लॉज के हिसाब से अपना नाम रखते हैं तो आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, करा सकते हैं। दूसरी बात सुनना ध्यान से, मेरी एक कंपनी है, ठीक है, उसका नाम है अंकुर नमक, ठीक है, वैसे तो सच में अंकुर नमक कंपनी है, पर क्लैरिफाई कर दूं कि वो मेरी नहीं है, है कि नहीं बात, अंकुर सॉल्ट लिमिटेड, यानी मैं नमक का बिजनेस करता हूं, राइट। तो मेरे नाम से जनरली क्या होता है, मेरे नाम से ये दिखाया जाता है लोगों के, कंपनियों के नाम से ये दिखाया जाता है कंपनी का बिजनेस क्या है, राइट। अब जैसे अंकुर सॉल्ट लिमिटेड है तो मेरे नाम से पता लगता है कि भाई मेरा नमक का ही बिजनेस है। फिर मुझे लगा क्यों ना अब मैं नमक का बिजनेस बंद करके, है ना, या नमक के बिजनेस के साथ ही बंद करके या उसके साथ ही कपड़े का बिजनेस, क्लोथ बिजनेस खोल देता हूं, या इलेक्ट्रिकल बिजनेस खोल लेता हूं। तो सुनना ध्यान से, तो कंपनी लॉ है ना ये बोलता है कि अगर आपने अपने बिजनेस की लाइन का जो नाम रखा था उस लाइन में या तो कोई चीज ऐड कर दिया, उस लाइन को छोड़कर अपना नया बिजनेस, है ना, शुरू कर दिया और आपका नाम सेम ही चला आ रहा है, तो इससे लोग गुमराह हो जाएंगे, लोगों को लगेगा कि भैया अंकुर सॉल्ट लिमिटेड तो नमक ही बेचते होंगे, लेकिन आप नमक की जगह में कपड़े बेच रहे हैं, ठीक है, नहीं बात, बल्ब लगा रहे हैं, ट्यूबलाइट बेच रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो कंपनी लॉ ये बोलता है विद इन 6 मंथ, कितने महीने के अंदर नलायक हो, विद इन 6 मंथ आपको ये नाम अपने बिजनेस लाइन से रिलेट करते हुए रखना पड़ेगा, यानी कि चेंज योर नेम टू योर बिजनेस लाइन। यानी कि अगर मैं बोलूं तो मुझे क्या नाम रख लेना चाहिए भैया, मुझे या तो नाम रख लेना चाहिए अंकुर सॉल्ट एंड क्लोथ्स लिमिटेड, या फिर अंकुर सॉल्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या फिर एक और तरीका है इसको कवर करने का कि मैं काम करता हूं सर, मैं अपने नाम को अंकुर ही रख देता हूं और कंपनी के ऑब्जेक्ट में लिख दूंगा कि मेरे ये बिजनेस है, जैसे रिलायंस की तरह। तो मैंने क्या किया, अपनी कंपनी का नाम रखा अंकुर लिमिटेड और उसके ऑब्जेक्ट में, मेमोरेंडम में गया और मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट में क्या लिख दिया कि भैया एक तो बिजनेस मेरा है नमक का, एक बिजनेस मेरा है कपड़े का, या लिख दिया एक बिजनेस और है मेरा इलेक्ट्रिकल का, राइट। तो मैं ये ऐसा कर सकता हूं, यही काम तो रिलायंस करती है। रिलायंस का नाम रिलायंस है लेकिन उनके बिजनेस बहुत सारे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के, है कि नहीं बात, रिलायंस पावर, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस जियो अब हो ही गया है, रिलायंस ज्वेलर्स, बहुत सारे बिजनेस है। तो क्या अपने नाम के आगे जितने बिजनेस खोलते जाओगे हर बिजनेस को जोड़ते जाओगे, है ना, अंकुर सॉल्ट क्लोथ इलेक्ट्रिकल ज्वेलरी सिम, तो भैया नाम इतना बड़ा हो जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या है, सिंपल एक नेम पकड़ लो, उसके ऑब्जेक्ट में जाके बाकी नाम्स को आप, नेम्स को आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो ऑब्जेक्ट क्लॉज में। यानी कि नेम क्लॉज आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से जबरदस्त तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलते हैं अगले क्लॉज की तरफ, राइट। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल। सर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्या बोलता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बोलता है कि आपको उस क्लॉज में बताना है कि आपके बिजनेस का हेड ऑफिस रजिस्टर्ड प्लेस क्या है। तो एचओ का एड्रेस देना है
विद स्टेट, स्टेट जरूर बतानी है कि नहीं बात, राइट। इससे क्या होगा बताने से, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट, कंपनी की जनरल मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स ऑफ द कंपनी, जितने भी मेन मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कहां पे रखे जाते हैं, वो सिर्फ हेड ऑफिस पे रखे जाते हैं, ब्रांचेस पे रखे नहीं जाते। जितनी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, जैसे इनकम टैक्स से कोई नोटिस आया, ठीक है जी, जैसे इनकम टैक्स से कोई नोटिस आया, आरओसी से कोई नोटिस आया, वो आपके हेड ऑफिस के एड्रेस पर ही आएगा। इसलिए रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ये बोलता है कि आपको अपना हेड ऑफिस बताना अनिवार्य है। आई होप बात समझ में आ चुकी होगी। अगला आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा खास क्लॉज यही है, यही है, यही है। आपको ये बताना है कि आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी आपकी कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी क्यों बनी है। That means in simple sense, what is the business of your company? तो business बताएंगे company का, right? और आपको पता ही है, हमेशा से ही business हमेशा legal होगा। ये मत बोल देना मैं तो drugs का business करता हूँ, है कि नहीं बात। सर आप पढ़ा दो, दो चुटकी drugs लेना, enjoy the life, high होके पढ़ाना, high होके। तो भैया तुम भी मरोगे, मुझे ही मरवाओगे। business क्या होना चाहिए? legal, लीगल बिजनेस होना चाहिए, कानूनी तौर पर बिल्कुल वैलिड होना चाहिए। और एक और बात जो मैंने आपको बताया, लक्ष्मण रेखा, यानी आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में अगर लिखा है कि आप ये बिजनेस करते हैं तो आप दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग आउटसाइड द ऑब्जेक्ट क्लॉज। आप ऑब्जेक्ट क्लॉज से आगे कोई और बिजनेस नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हो तो, करना चाहते हो तो लॉ का पालन करना पड़ेगा। वही बातें हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट नए देने पड़ेंगे, फिर रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, वो सारी बातें करनी पड़ेंगी। फिर आता है लाइबिलिटी क्लॉज, बहुत ही सिंपल है ना और बहुत ही बढ़िया। सर लाइबिलिटी क्लॉज क्या कहता है? लाइबिलिटी क्लॉज कहता है कि आपकी कंपनी की लाइबिलिटी क्या है। एक्चुअली में अगर आपकी कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है तभी आपको लाइबिलिटी क्लॉज मेंटेन करना है। अगर आपकी कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो आपको लाइबिलिटी क्लॉज मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकली अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती ही नहीं है, मरना थोड़ी है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बना के। इसलिए लाइबिलिटी क्लॉज में दो बातें जुड़ जाती हैं, लाइबिलिटी लिमिटेड है फॉर द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम, याद आ गया। और अगर आपकी कंपनी क्या है, गारंटी कंपनी है, तो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी कि मुझे वाइंड अप पे टाइम पे कितना पैसा देना है। सिंपल और शानदार बात। अगली बात आती है सर कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में आपको बताइए ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में बताया जाता है, यानी सिंपल जब कैपिटल क्लॉज आप लगाओगे तो कैपिटल क्लॉज में क्या बताना चाहिए, क्या बताएंगे आप कैपिटल क्लॉज में? नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। समझ गए सर, है ना, बहुत शानदार ज्ञान की बात हमें आज पता लग चुकी है। और फिर अगली बात, अगली बात आती है एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज मतलब नेम प्लेस एनिमल, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, यानी कि जितने लोग आपकी कंपनी में जुड़ चुके हैं, मिनिमम 7 तो जोड़ोगे अगर पब्लिक कंपनी है और 2 जोड़ोगे अगर प्राइवेट कंपनी है। तो मतलब पब्लिक कंपनी है और मिनिमम 7 लोग आपकी कंपनी में जुड़ने जरूरी है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन की तरह। तो वो सबको क्या करना पड़ेगा, उन सबको मेमोरेंडम पे साइन करने पड़ेंगे, ठीक है ना, राइट। तो वही लिखी है बात एसोसिएशन क्लॉज कि हर एक सब्सक्राइबर, क्या कहलाए जाएंगे वो, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, हर एक सब्सक्राइबर ये कहेगा यस यस कि मेरी डिजायर है, मेरी इच्छा है, ठीक है ना, कि हम बनना चाहते हैं इस कंपनी के मेंबर, है कि नहीं बात, राइट। एसोसिएशन क्लॉज में लिखना है यस, या मेरी डिजायर है, वी वॉन्ट टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी, के हम इस कंपनी के मेंबर बनने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है 6 के 6 क्लॉज आपको बहुत मजेदार तरीके से समझ में आ चुके होंगे। सर ने याद कैसे करना है? अब भैया सीए बनने के बाद, है ना, सीए बनने के बाद हम कोई लोकल इंसान टाइप थोड़ी रह जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे लिए तो यही कहा जाएगा कि भैया लोकल वोकल मत समझ लेना, कभी तुम बोल रहे हो लोकल सीए है, भैया बहुत बड़े सीए हैं हम, चिंता की बात मत करना। तो क्लॉज, जब भी मेमोरेंडम क्लॉज की बात करेंगे तो क्या कोड याद रखेंगे? नो लोकल सीए, नो लोकल सीए। बोलना जरा फिर से, सर नो लोकल सीए, नो नेम, है कि नहीं बात,
ऑफिस ओ ऑब्जेक्ट लोकल केएल से लाइबिलिटी सी ए कैपिटल और एसोसिएशन। यानी कि जब भी हम मेमोरेंडम के क्लॉजेस की बात करेंगे तो हमें बोलना है नो लोकल सीए, और ये सारे क्लॉज के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं कि हमें क्या करना होता है। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अब बात आती है सर मेमोरेंडम बनता कैसे, मतलब मेमोरेंडम बनता कैसे बेटा, ये क्या बोल दिया आज, क्या कह दिया ये, ठीक है कि मेमोरेंडम बनता कैसे। मेमोरेंडम ऐसे बनाया जाता है सर, ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। हम तो भाई लुट जाएंगे, तो लुट गए तेरी मोहब्बत में गाना बज जाएगा ये तो। सर ये देखना, ये कौन बताएगा, सर ये सीए बताएगा, कंपनी सेक्रेटरी बताएगा, ठीक है ना। और हमें खुद जानना हो तो कौन बताएगा हमें ये सब चीजें, तो पता क्या लिखा है लॉ में, लिखा है कि बेसिक चीज आपको मेमोरेंडम या आर्टिकल बनाने की टेंशन नहीं लेनी। मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाने के लिए हमने पहले से ही आपको फॉर्मेट दे रखा है, बस वो फॉर्मेट आपको चुराना है। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, बिल्कुल इस तरीके से चुरा के फॉर्मेट गोरिया चली। अब मैं मजाक में कह रहा हूं चुरा के, ये कोई चोरी नहीं है, पहले ही कंपनी लॉ में बना के दे रखे हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जो भी फॉर्मेट हमने मेमोरेंडम का दे रखा है, आप जो अपना मेमोरेंडम बनाएंगे वो बहुत ज्यादा क्लोज बोले तो बहुत ही क्लोज रिजेंबल करना चाहिए इन फॉर्मेट से। यानी कि इन शॉर्ट कानून आपसे कहना चाह रहा है, भाई साहब जब आप अपनी कंपनी का मेमोरेंडम बनाया ना तो इसको ही चिपका देना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट कर देना, शेम टू शेम बना देना, बात खत्म, ये कहना चाह रहे हैं। अब बात आई सर, जितने तरह की कंपनी होती है उतने तरह की क्या बनाने पड़ेंगे, फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे। तो उन फॉर्मेट को कंपनी लॉ ने क्या बोला, टेबल बोला। क्या बोला जी सर, टेबल बोला, टेबल, ठीक है जी, टेबल। और ये टेबल याद होते ही है कि नहीं बात, ये SRK याद होते ही आपको मेमोरेंडम की टेबल और आर्टिकल की टेबल दोनों याद हो जाएंगी आज ही। देखो क्या लिखा है, पहले कंपनी में फोकस करो, सबसे बड़ी कंपनी, सबसे पहली कंपनी जो हर कोई खोलता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है जी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, बात समझ में आ चुकी होगी। दूसरा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी यहां लिख देंगे नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है जी, कंपनी गारंटी वाली है पर शेयर कैपिटल नहीं है। तीसरा, कंपनी गारंटी वाली है पर शेयर कैपिटल है, ठीक है जी। चौथा, अनलिमिटेड कंपनी है ना, जो प्रैक्टिकली आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, राइट। और पांचवी, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, बताओ याद हो जाएगी बात, याद हो जाएगी नहीं हो जाएगी भाई और बहनों, याद हो जाएगी नहीं हो जाएगी, सर बिल्कुल हो जाएगी। पहली कंपनी जो हर कोई बनाता है लिमिटेड बाय शेयर्स, फिर दूसरी कंपनी आपने कौन सी पढ़ी थी, लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है जी, गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, फिर अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। जब भी आप इस कंपनी के बारे में डिसाइड करेंगे तो आपकी टेबल आपके सामने है, आपको मेमोरेंडम बनाना है टेबल ए से इस कंपनी को, ठीक है जी बात, और इस कंपनी को आर्टिकल बनाना है टेबल एफ के अकॉर्डिंगली। यानी कॉपी पेस्ट कर दे, शेम टू शेम उतार दे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और लॉ के हिसाब से बिल्कुल रिजेंबल होना चाहिए। कंपनी गारंटी वाली है, शेयर कैपिटल नहीं है, मेमोरेंडम बनाना टेबल बी के अकॉर्डिंगली, आर्टिकल बनाना टेबल जी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल सी, आर्टिकल टेबल एच। अनलिमिटेड कंपनी टेबल डी, आर्टिकल टेबल आई। और आखिरी में अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल ई और टेबल जे। सर याद कैसे होगा, याद करने की बिल्कुल सिंपल टेक्निक है जो मैंने लिख रखी है, कंपनी लिखी सीधा, देखो बिल्कुल सीक्वेंस में, ए बी सी डी ई, मोआ क्या है, मोआ मेमोरेंडम, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, आर्टिकल, ठीक है ना, एफ जी एच आई जे, सिंपल ABCD है, बच्चा भी इसे याद कर सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे तक आपको टेबल बना के दे रखी है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की। उम्मीद है बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एक चीज और जो आपको देखनी बनती है यहां पे, क्या सर मैं नाम की तरह ही अपना ऑफिस भी बदल सकता हूं,
बिल्कुल बदल सकते हो सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जैसे रिलायंस ने भी बदला है। ठीक है, अब देखो रिलायंस का कार्यालय दिख रहा होगा आपको सर, रिलायंस का कार्यालय है पहले कर्नाटका, पहले रिलायंस कर्नाटका में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस खोला था, प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ये लिखी बात ठीक है कि नहीं बात, प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस कहां खोला सर, कर्नाटका खोला। ठीक है जी, फिर कहां पे चेंज कर दिया, टू महाराष्ट्र, राइट, और इसको फिर क्या किया गया, अप्रूव्ड कर दिया गया, और महाराष्ट्र में भी कहां, बॉम्बे, बॉम्बे, बॉम्बे मतलब बॉम्बे हो चुकी है मुंबई। तो उम्मीद है आपको पूरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ में आ चुका होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आपके नोट्स में मेमोरेंडम के बारे में क्या शानदार बातें लिखी हैं और जो हमने पढ़ी है किस लैंग्वेज में उसे फ्रेम किया गया है। हाँ, पिछले लेक्चर की एक बात ध्यान रखना, सेक्शन 43 जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है ना, वो प्राइवेट कंपनी अगर चाहे तो लगाने से मना कर सकती है, शैल नॉट अप्लाई वेयर मेमोरेंडम।